A uniform magnetic field is restricted within a region of radius r, right? The magnetic field changes with time at a rate dB by dt. Loop 1 of radius r is enclosed the region r with, and loop 2 of radius r is outside the region of magnetic field. Then the EMF generated is, तो loop 1 loop 2 के अंदर आपको EMF निकालना है. तो देखो basic formula क्या है magnetic flux का, वो है B A cos theta. तो flux is equal to, हम लोग लिख सकते हैं area कितना है pi r square. तो EMF जो होता है वो क्या होता है, minus d phi by dt. अभी यहाँ पर B constant है, pi constant है, derivative of 2 r क्या आएगा, 2 r dr by dt आ जाएगा, right? और उसने क्या बोला है, द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, नहीं 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 नहीं, उसने ये आर कहाँ चेंज हो रहा है, एक मिनट मेरा गलती हो गया. यहाँ पर फाई इज इक्वल टू बी इंटू पाई आर स्क्वायर है, बी चेंज हो रहा है ना, तो ईएमएफ जो आएगा वो क्या होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी, विच इज इक्वल टू, देखो पाई कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, तो ये डी बी बाई डी टी आ जाएगा. तो अभी देखो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लूप है उसके अंदर ईएमएफ कितना आएगा, माइनस पाई आर स्क्वेयर डी बी बाई डी टी आ जाएगा लूप नंबर 1 के लिए. एंड लूप नंबर 2 के अंदर यहाँ पर कोई फ्लक्स ही नहीं है, उसने पहले से बोला है लूप 2 ऑफ रेडियस आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ही नहीं है, तो ईएमएफ ही नहीं है. तो लूप 2 के अंदर ईएमएफ नहीं आएगा, लूप 1 के अंदर माइनस पाई आर स्क्वेयर डी बी बाई डी टी, माइनस पाई आर स्क्वेयर डी बी बाई डी टी, एंड इन लूप 2 इट इज़ 0, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट वन, राइट?